जी तो कैसे हैं सारे। आज हम आए हुए हैं मछली मार्केट 45 में और यहाँ पे लेने आए हैं इल्शा मछली। ऐसा लग रहा है सोना लेके जा रहे हैं। आज मेरे भांजो का बर्थडे है तो इसीलिए जीजू के साथ आया हूँ मैं यहाँ पे। बड़े वाले जीजू हैं ये, छोटे वाले से तो आप मिले होंगे बहुत बार, ये बड़े वाले जीजू हैं। तो आपको दिखाते हैं मछली, सिर्फ दो मछलियाँ लेके जा रहे हैं कम से कम 3500 रुपये में। तो दिखाता हूँ मैं आपको मछली, 2 किलो मछली का रेट 3500 रुपये। मैं भाईजान जरा मछलियाँ दिखाओ आप, सोने की रेट वाली मछली। देखो भाई ये है इल्शा, एक मछली कम से कम कितने की आपने बताई रेट इसकी? एक है 1700 रुपए की। 1700 रुपए की एक मछली। ये हम दो मछलियां लेके जा रहे हैं और इसमें कांटा भरपूर कांटा होता है इसमें, तो अगर इल्शा खाना है तो सोच समझ के, क्योंकि इसमें कांटा बहुत होता है। जैसे कांटा है वैसी टेस्ट है, बिल्कुल टेस्ट में सबसे किंग है ये। इससे ज्यादा टेस्टी मछली और कुछ नहीं होती है इल्शा, कुछ नहीं। इससे ज्यादा टेस्ट है सैल्मन, उसमें विटामिन डी है। अच्छा देख रहे हो, नॉलेज है पूरा इनको। ये यहाँ पे 45 में सबसे बड़े एक्सपर्ट है, इन्हीं के पास आते हैं मछली लेने। तो अगर 45 में आते हो तो मैं नंबर भी डाल दूंगा इनका, देख लेना आप, कॉन्टेक्ट कर लेना। कोई भी मछली चाहिए हो तो आप इनसे बात करके पता कर सकते हो। उमर नाम है इनका। तो उस टाइम पे कितना रेट होता है जब एकदम फ्रेश होता है? नानी के घर उधर रेट का अलग अलग है। रेट के अलग अलग होता है। ये ना अभी 2.5 किलो का इल्शा बेचा था उन्होंने, जिससे मैं उगाता हूँ, 2200 रुपए किलो बेचा था वहीं पे, 2 किलो 400 ग्राम का। ये इल्शा उधर आपको यहाँ पे उधर भी महंगा ही है, 800 रुपए। इस टाइम महंगा चल रहा है, 800 रुपए किलो होगा वहीं पे। अच्छा ठीक है। एक 600-700 ग्राम का जो इल्शा है वो 500-600-400-500 का है, और ये जो है किलो का साइज का है ये उधर 800-900 का है। तो नेचुरली वहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, होगा। एक हर बंदे तो हमेशा खाएगा नहीं, कोई कोई बंदे ही आके लेंगे। अभी तीन है देखो, तीन दगा बिका है। मैंने मंगाया, जिससे मैंने मंगाया उसने दूसरे से लिया। वो जब कुछ रखेगा तो ही आगे बढ़ाएगा। अब ये आंध्रा वाला रहू है, अभी आ भी तो देखो कहाँ से 70 रुपए की चलती है भरती। यहाँ दिल्ली आता है, वहाँ पे भी का दिल्ली वाले ने मंगाया, फिर वहाँ से हमने खरीदा, हमने यहाँ आगे बेचा, तो 180 रुपए बिक रहा। डबल रेट हो गया। पीस बढ़िया से करना, गोल करना, कैसे करना? गोल पीस गोल ही करना, गोल। तो यहाँ पे पीस कटना स्टार्ट हो गया है। चलो तो आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस, दिखाते हैं इसको कटने का। मछली का पहचान दिखाओ जरा एक बार इसमें दोबारा, कैसे पता चलेगा कि इल्शा ही है? ये जो सेफ है ना, ये कटने के बाद ये जो सेफ है, ये दिख रहा है ना बीच में जो दिख रहा है, ये चीज होता है। अच्छा कोई सी भी हिलसे भी नहीं होता, दूसरा जो हिलसा होता है उसमें भी नहीं। अच्छा अच्छा इसमें होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल है उसमें होगा बस ये शेप। तो यहाँ पे जस्ट मछली अभी कटना स्टार्ट ही हुआ है और पूरा महकने लग गया है चारों तरफ खुशबू से इसकी, इतना इसका पावर होता है। जब इसको बनाते हैं ना पूरा खुशबू से घर महक जाता है। ये दूसरा मछली कट रहा है अब। ये थोड़ा हटके ब्लॉग बनाया है मैंने, हो सकता है काफियों को पसंद ना आए जो मछली नहीं खाते हैं, पर हर चीज़ में होता है कि पसंद भी करते लोग और नहीं भी पसंद करते, तो उसमें कोई मैटर नहीं है। पसंद करने वालों के लिए प्यार है, ना पसंद करने वालों को छोड़ो क्या बोले। तो यहाँ पे मछली कट चुकी है पूरी और यहाँ पे पैकिंग होने जा रही है। कितना पीस हुआ देखना, सिर छोड़ के पीस काउंट किए जा रहे हैं, कितने पीस हुए हैं फिश के।
22 पीस सिर छोड़ के 22 पीस हुए टोटल और सिर को जोड़ के 26 हो जाएंगे। चलो तो पैकिंग हो चुकी है, मिलते हैं कुछ ही समय में। बटर स्कॉच ही ले लो, कितना किलो वाला लेना है ना? अच्छा नीचे वाले, हाँ ये ले लो बटर स्कॉच। तो यहाँ पे केक ले चुके हैं, एगलेस केक, क्योंकि जीजू को एग से एलर्जी है तो हमने यहाँ से एगलेस केक लिया है। देख रहे हो खटानी से मिल जाता है एगलेस केक अगर आपको चाहिए तो। चलो केक ले चुके हैं, अब यहाँ से चलते हैं, बाय बाय टाटा। केक तो हम ले चुके हैं पर रसगुल्ले, जो वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले होते हैं वो नहीं मिलते हैं हर एक स्वीट्स में, तो वो मिलते हैं सिर्फ अमृत स्वीट्स में। तो यहाँ पे अमृत स्वीट्स आए हुए हैं रसगुल्ले लेने, जो कि ओरिजिनल रसगुल्ले होते हैं वेस्ट बंगाल वाले। एक होते हैं स्पॉन्जी, स्पॉन्जी जो होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, मतलब वो खाने में अच्छा नहीं लगता उतना। जो वेस्ट बंगाल के ओरिजिनल रसगुल्ले होते हैं वो मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अमृत स्वीट्स में। देखते हैं कि नहीं, जीजू तो गए अंदर लेने, आई थिंक रसगुल्ले मिल चुके हैं। पूछते हैं, मिल गए रसगुल्ले? मिल गए रसगुल्ले? चलो मिल गए रसगुल्ले, अब चलते हैं घर सीधा, बाय बाय टाटा। हाँ मेरे पास ही था। और ये है हमारे बर्थडे बॉयज, हाय बोलो। हाय। तो इनका बर्थडे है आज, इनके बर्थडे की पार्टी होने वाली है। हैप्पी बर्थडे टू यू शिवम शुभम, हैप्पी बर्थडे टू यू, May God bless you. तो मेरे भांजे 14 साल के हो गए। 13 साल हुआ, 14 में रनिंग है। हाँ 14 लग गया, ठीक है ठीक है। अरे बड़े खिला दो, वीडियो बन रहा है। रुंजुन को खिलाओ पहले, तो पहले तो रुंजुन को खिलाओ। रुंजुन को खिलाओ।